हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए। तो कुछ स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, थोड़ा सा टेंशन रहता है क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि पैनिक मत हो, स्ट्रेस इतना मत लीजिए क्योंकि उससे चीज़ें आप ख़राब करेंगे। आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आपने फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपके अंदर वो स्टैमिना है जो आप ये सेमेस्टर एग्ज़ाम निकाल सकते हो। अब आप इतना स्ट्रेस, इतना पैनिक लेके कहाँ जाओगे? एक साल में दो सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे ही, तो इतना स्ट्रेस क्यों लेना? जस्ट बी रिलैक्स। आपने जितना भी स्टडी करा है उसको कॉन्शियसली रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और जाके अपना एग्ज़ाम दीजिए। बस मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए रखे हैं कि आपको लास्ट टाइम क्या रिविजन करना है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम आपको कैसे रिविजन करना और क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मतलब लास्ट टाइम के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ रिपीट करनी है। तो अगर मैं बता दूँ, हम सब्जेक्ट वाइज क्लियर कर देते हैं, फिर आपके जो 3 घंटे एग्जाम्स के लिए होंगे वो उनको क्लियर कर देंगे। वीडियो थोड़ा फास्ट में ही रहेगी क्योंकि हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे, सिर्फ एक पॉइंट बता रहे हैं और आपका टाइम अभी बहुत कीमती है, उसको मत वेस्ट करिए। जाके इस वीडियो के बाद पढ़ाई करिएगा, अपना रिविजन करिएगा, कोई डाउट हो आप मेंशन करिएगा, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिएगा। बस यही कहना चाहूँगी, इतना स्ट्रेस मत लो, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आते जाते रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री से। अगर मैं बात करूँ तो बायोकेमिस्ट्री सबसे पहले तो आप रिविजन कम्प्लीट कर लीजिएगा अपने सारे यूनिट्स का, फिर आप कुछ चीज़ों को आप लिख के करिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि साइकिल है, तो साइकिल को 2 से 3 बार बना लीजिएगा, बनाने में कोई हर्ज नहीं है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जितनी जल्दी आपका हाथ यहाँ पे वर्क करेगा, अपने होम पे वर्क करेगा, फिर अपने रूम पे वर्क करेगा, उतने अच्छे से आप एग्ज़ाम हॉल में कर सकते हो। तो साइकिल की प्रैक्टिस कर लेना, हर एक स्टेप में आपको पता होना चाहिए क्या यूटिलाइज होगा, क्या रिलीज़ होगा, कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, इसीलिए साइकिल की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट आपको पॉइंट है बायोकेमिस्ट्री में, आपको क्लासिफिकेशन क्लियर होने चाहिए क्योंकि आपके 5 नंबर में क्लासिफिकेशन अक्सर आ जाते हैं। और आपको डायग्राम आना चाहिए इम्यूनोग्लोबिन्स का, ये भी अभी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में कर सकता है, तो डायग्राम एग्जाम में आ सकता है। और आपको ऑर्गन फंक्शन टेस्ट यूनिट के नॉर्मल वैल्यूज, इसमें लीवर के, किडनी के, ये सारे नॉर्मल वैल्यूज एग्जाम्स में आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें मेन आपका नॉर्मल वैल्यू होता है, तो उसको अगर आपने पढ़ा है तो रिवाइज अच्छे से करिएगा, नहीं पढ़ा तो एक दिन पहले आप उसको पढ़ लीजिएगा, तो एटलीस्ट आपको कुछ आउट एंड एवरेज याद रहेगा, तो आप उसको एग्जाम में लिख सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको इस सब चीज़ों को एक बार कॉपी में प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन में डेफिनेशन आपको आती होगी ऑथर नेम की, बट आप डेफिनेशन ऑथर नेम की एक बार लिखेंगे, फिर बुक से क्रॉस चेक करेंगे और ऑथर नेम की स्पेलिंग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, हमसे हो जाती है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि एक बार देख ज़रूर लीजिएगा। फिर आप क्लासिफिकेशन करिएगा, क्लासिफिकेशन के विद फंक्शन और फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग फैट्स में पढ़ते हैं कि वो हम लोगों को हीट से प्रोटेक्ट करता है, तो हीट से कैसे प्रोटेक्ट करता है आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 5 मार्क्स में फंक्शन ऑफ फैट्स आ गया तो आप उसको डिटेल में भी लिखोगे, तो एक बार आप उसको ओवरव्यू रीड कर लीजिएगा। आपको सिंपल मीनिंग आपको गूगल पे मिल जाएगी, चैट जीपीटी का यूज़ करके आप सिंपल मीनिंग से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिशन में आपको एक बार मेन्यू प्लानिंग ज़रूर देखनी है, क्योंकि मेन्यू प्लानिंग में आपको 4 मतलब कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, तो ये सारी चीज़ आपको बनानी होगी। आपको कोई एक केस सिनेरियो दिया जाएगा, जैसे हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हमने एक वीडियो में आपको बना के भी दिखाया था, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ना है तो बस चीज़ें हेल्दी ऐड करती जाएगा, उस डिजीज़ कंडीशन से प्रिकॉशन करने के लिए बस मेंटेन कर दीजिएगा, तो आपका मेन्यू प्लानिंग क्लियर हो जाएगा। न्यूट्रिशन में आप कोशिश करिएगा कि एक दिन पहले RDA की वैल्यू ज़रूर देख लीजिएगा, RDA से MCQ आ जाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को RDA का फुल फॉर्म नहीं आ रहा होगा, तो RDA का होता है रिकमेंडेड डाइट्री अलाउंस, तो ये सारी चीज़ें आपको WHO ने दी है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आपको किस पर्सन को कितना देना है, वुमेन को कितना देना, मेल को कितना देना है, ये सारी चीज़ें आपको WHO के द्वारा बताएगी। तो ये क्वेश्चन आपका MCQ में आ जाता है और इसमें हम लोग हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप कोशिश करिएगा एक बार अपनी RDA वैल्यू पे चेक जाके देख लीजिएगा, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। RDA पे कोई ट्रिक नहीं है, RDA पे हम कोई वीडियो इसलिए नहीं फ्रेम करें कि उसमें से वो सिर्फ एक टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, एक लेक्चर वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने कभी RDA पे कोई वर्क नहीं करा। बट एक पॉसिबिलिटी, अगर कोई फ्यूचर वर्क रहेगा तो मैं इसकी ट्रिक ज़रूर बनाऊंगी, जिससे आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में आपको एक दिन का गैप मिल जाएगा, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग आपका फर्स्ट और सेकेंड दोनों आएगा। तो अब सबसे बड़ा डाउट हो चुका, इतना ज़्यादा बुक में है सिलेबस, अब हम एक दिन में कैसे रिवाइज करें? तो आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए, जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आपने मार्क करी, आप उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन आप 2 टाइम्स करेंगे, इस हिसाब से करिएगा कि आपको दोबारा रिवीजन करना हो जाए, मतलब इस तरीके से टाइम मैनेज करिएगा कि आप सेकेंड
टाइम रिवीजन करने के बाद ही एग्ज़ाम देने जाएं, ठीक है। और कॉपी अच्छे से फिल करिएगा क्योंकि उसमें मैनेज करना होगा। साथ ही साथ आप नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग मैनेजमेंट देख लीजिएगा। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से करिएगा कि आपका हर एक क्वेश्चन में अगर आ रहा है तो आप मैनेज कर सकते हो। नर्सिंग मैनेजमेंट भी सेम आपको इसी तरीके से करना है। और NCP के 3 से 4 नर्सिंग डायग्नोसिस प्रिपेयर करके जाइएगा तो ये नर्सिंग फाउंडेशन के लिए आपका एकदम हेल्प करेगा और आपके एग्ज़ाम पर्पस में भी एकदम इफेक्टिव रहेगा। तो ये हमने डिस्कस करा सारे सब्जेक्ट से, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, फाउंडेशन से। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एग्ज़ाम से। तो सबसे पहले तो आप पैनिक मत होइएगा एग्ज़ाम टाइम पे, कामली OMR शीट को फिल करिएगा क्योंकि OMR शीट अच्छे से फिल होगी तभी आपकी आगे की कॉपी चेक होगी। नेक्स्ट आप स्टेशनरीज अपने साथ लेके जाइएगा, अपनी वॉच लेके जाइएगा। टाइम मैनेजमेंट आपका इंपॉर्टेंट, मैंने हर एक वीडियो में कहा है टाइम मैनेजमेंट। प्रेजेंटेशन आपको अच्छे से करना है, कंटेंट कॉपी में होना चाहिए। आप अपनी चीज़ें कम रखिएगा, बुक की चीज़ें आपको ज़्यादा मेंशन करनी है। प्लस हर एक कंटेंट के साथ में मार्क्स ज़रूर देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 5 मार्क्स में तो उसमें ज़रूरी नहीं आप 10 पेज भरो, आपके 3-4 पेज होंगे तो बस वो सफिशियंट है। आपको दूसरे क्वेश्चन पर भी मूव करना होगा वरना आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। आप कैसे भी प्रायोरिटी दो, आप लॉन्ग पहले करो शॉर्ट पहले करो वो मैटर नहीं करता। आपको क्वेश्चन नंबरिंग अच्छे से मेंशन करनी विद हेडिंग, आप स्केच पेन का यूज़ करिएगा इस हेडिंग मेंशन करने के लिए। तो एग्जाम के लिए ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिटेल वीडियो मैंने बनाई, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, आपका टिप्स और ट्रिक्स भी क्लियर हो जाएगा और कैसे आपको लिखना है यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो भी क्लियर हो जाएगा। आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिएगा। सेमेस्टर एग्जाम में जो गलती करी है वो सेकेंड सेमेस्टर में मत रिपीट करिएगा, टेंशन मत लीजिए, ये सब आते जाते रहते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम बस अपने अच्छे से करिएगा। आपका कॉम्पिटिटर आपके बैचमेट्स नहीं है, आपके अलग नहीं है, आपका कॉम्पिटिटर आप खुद हो। आप अपने आप को एज अ कॉम्पिटिटर ट्रीट करिए। आपने फर्स्ट सेम में जितना भी परसेंट सिक्योर करा उससे ज़्यादा ही लाने की कोशिश करिएगा, और अगर कमी कहीं रह जाए तो उससे सीखिएगा और थर्ड सेम में अपना बेस्ट दीजिएगा। मेरे तरफ से बस यही आपके लिए एक पॉइंट है जो आप इसको याद रखिएगा, यही 4 साल ही अपनी लाइफ लॉन्ग। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।